पुंडरी की जो फिरनी है पूरे भारत में जो है वो जाती है, तो आज हम पुंडरी में आए हैं और उसका प्रोसेस देखने आए हैं कि ये बनती कैसी है। आप 10 किलो मैदे की आप गूंथने के लिए इसको आप मशीन में ले जाएंगे? मशीन में ले जाएंगे, ठीक है। पीछे वेट किया था, ठीक है। इस 10 किलो मैदे के अंदर आप कितना पानी डालेंगे? 5 किलो, 5.5 किलो। अच्छा, आप 5.5 किलो पानी जो है वो आप इसमें आप डाल दोगे, ठीक है। ये अब आप फिरनी के लिए आप मैदे को जो है आप गुथेंगी, ठीक है, इस मशीन के द्वारा, ठीक है। ये पूरा मेजरमेंट होता है अभी 10 किलो मैदे के अंदर आपने इतना पानी डालना है। इस आटे गूंथने के प्रोसेस में कितना समय लगेगा? 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट में ये जो है 5 मिनट की रेस्ट करवाने के बाद इन्होंने मशीन को दोबारा स्टार्ट कर दिया है। अब ये जो फिरनी का जो मैदे का गूंथने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है और अब इसको ये 5 मिनट के लिए और इसको चलाएंगे ताकि ये और मुलायम हो जाए। ऐसे कर करके ये फिरनी के लिए जो गूथा हुआ है उसको ये तैयार कर रहे हैं। हाँ जी, ये देखो इन्होंने हाथ से अब देखा है क्योंकि ये काम करते हैं, इनको ज़्यादा पता है। अब ये बड़ा मुलायम हो गया और ये थोड़ा सा और चला के इसको 1-2 मिनट चलाएंगे तो ये जैसे ही मुलायम हो जाएगा इसको अगले हाँ जी, अब इसको हाथों से गूथा जा रहा है। हाँ जी, एक जाम हो जाएगी। अच्छा जी, एक जाम हो जाएगी इसलिए इसको हाथों से गूथा जा रहा है। हाँ जी, ठीक है जी। इसकी एक तरह का बराबर चारों तरफ से ये बराबर हो जाए, मुलायम हो जाए, उसके लिए इसको हाथों से गूथा जा रहा है। अब ये धीरे और ये इसको अब ये गीले कपड़े से इन्होंने ढक दिया है और इसको 2 या 3 मिनट के लिए रखे। इसके छोटे छोटे ये पेड़े बनाएंगे। इस घी लगाने का वजह क्या है, कारण क्या है? इसमें जो कारण ये है जी, इसमें इस पर सिकरी नहीं आएगा, ये सूखेगा नहीं। अच्छा, और फिरनी जो इसका बनेगा वो सॉफ्ट बनेगा जी। अच्छा, अब ये मैंने सुना इसका तार बनने भी स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ जी, ये तार बनने भी स्टार्ट हो जाएंगे अब इससे। लो जी, फिरने के लिए बॉल्स तैयार हैं। लो जी, अब घी ले लिया गया है फिरनी के लिए। अब ये मंजीत ने बड़े छोटे छल्लों से बड़े छल्लों को बनाना शुरू कर दिया है और इन बड़े छल्लों को अब ये बना के घी में इसको ये मिक्स करेंगे और इसको बिल्कुल घी में तरोतर कर देंगे। अब ये उनके मंजीत के भाई ने अब ये डालना स्टार्ट किया है और ये अब इसको घी के अंदर तर करके इसको ये साइड प्रांत में लगा रहे हैं। तो ये फैक्ट्री है वो आपकी है? हाँ जी। और आप हमें प्रोसेस बताना स्टार्ट करें यहाँ से छोटे उससे, ये क्या हो रहा है इसे भाई यहाँ पे? ये सबसे पहले तो इसके पेड़े बनते हैं जी। अच्छा जी। इसके बाद इसका छल्ला घुलते हैं। अच्छा जी। इसके बाद फिर ये बत्ती बनती है। अच्छा जी। बत्ती को घी में लपेट के अच्छा इसको फिर यहाँ पे रखते हैं। अच्छा जी। यहाँ से तार बननी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा जी। यहाँ तार बनेगी। अच्छा, फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल इससे थोड़ी ब्रीक हो जाएगी। अच्छा जी। फिर एक और बार लगेगी इसकी। अच्छा जी। फिर वहाँ पे जाके बिल्कुल ब्रीक हो जाएगी। अच्छा जी। यहाँ पे इसके टुकड़े टूटते हैं। अच्छा जी। ये टूटने के बाद बार ये तवी पे जाएगी जी। अच्छा जी। बार ये तवी पे जाने चलेगी जी। अच्छा जी। यहाँ पे बिल्कुल ब्रीक हो जाता है ये। अच्छा जी। इसका काम को करते हुए आपको कितना समय हो गया आपके पिताजी को? मैं बचपन से करता हूँ जी। अच्छा जी। बारे यानी कि पूरे परफेक्ट हो आप? हाँ जी। आपको पूरा पता है भी क्या प्रोसेस है और कैसे चलेगा ये? हाँ जी। आगे क्या होगा? आगे ये यहाँ पे तवी पे आता है जी। अच्छा जी। तवी पे आने के बाद यहाँ पे दबाई की जाती है। अच्छा जी। वहाँ पे फिर इसको तवी में गिराया जाता है। अच्छा जी। तवी में गिराने के बाद जब पक जाता है वहाँ निकाला जाता है। अच्छा जी। वहाँ से निकालने के बाद टोकरी लगाई जाती है उस साइड में। अच्छा जी। ये टप लगती है यहाँ पे, ठीक है। ये अब इनकी तलाई हो रही है? हाँ जी। अच्छा, तलाई के बाद ये यहाँ पे आएगी जी। अच्छा जी। यहाँ पे ऐसे टप लगेंगे। अच्छा जी। इसको 2-3 दिन रखेंगे अब। अच्छा जी। 2-3 दिन रखने के बाद इसे घी निकाल लेंगे। ठीक है जी। घी निकालने के बाद मीठा लगेगा जी। ठीक है जी। हाँ जी। इसके बाद का घी निकालने के बाद अब ये मार्केट में भेजने के लिए तैयार हो गई है? नहीं, हाँ जी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और ये वो फिरनी है जिसके लिए हम पुंडरी गए थे।